अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग डज में खुश आमदीद। मैं हूं वीना और आज आपके लिए लाई हूं बहुत ही खूबसूरत सा ये न्यू बॉर्न बेबी का लेगिंग। तो ये देखिए, मैंने इसका जो बॉर्डर बनाया है वो व्हाइट कलर से बनाया है। लेग्स जो है इसकी और ये क्रॉच वाला पार्ट जो है ये मैंने बनाया है ब्लू कलर से, और इसके जो सॉक्स हैं नीचे ये भी मैंने व्हाइट कलर से बनाए हैं। तो ये चूंकि मैंने बनाया है बेबी बॉय के लिए, तो मैंने ब्लू और व्हाइट कलर में बनाया है। आप चाहें तो इसको बेबी गर्ल के लिए बनाना चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये कार्डिगन बनाया था, उसके साथ ही मैंने उसका मैचिंग ये लेगिंग बनाया है। तो आप देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये, इस तरह से देखें। तो सबसे पहले मैं इसकी मेजरमेंट को आपको बता देती हूँ कि इसकी मेजरमेंट क्या है। अगर हम इसको यहाँ से जो इसका बॉर्डर है यहाँ से नापें और नीचे तक, ये 24 सेंटीमीटर या फिर 9.5 इंचेस बनकर तैयार हुआ है। इसकी जो सॉक्स हैं अगर उसको हम देखें तो ये देखिए, ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर या फिर 3 इंचेस बनकर तैयार हुई हैं। और अगर हम इसकी सॉक से ये क्रॉच को नापें तो देखें ऐसे, तकरीबन ये 13-14 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है, जो कि 5.5-5.75 इंच है। तो बहुत ही कम वूल में ये लेगिंग जो है बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन जो ब्लू कलर की वूल है वो इसमें लगी है तकरीबन 50-60 ग्राम, और ये तो बहुत ही थोड़ी सी तकरीबन 10-15 ग्राम वूल इसको वाइट कलर की लगी है। तो देखते हैं व्यूअर्स, इस लेगिंग को हमने किस तरह से बनाना है, तो चलिए आए इसको बनाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इस लेगिंग को बनाने के लिए मैंने ली है डबल निट वूल ब्लू और वाइट कलर में, जैसे कि मेरा सेट भी पूरा ब्लू और वाइट कलर का ही है। 3 mm नीडल ली है एक मैंने, और एक मैंने 4 mm नीडल ली है। तो 3 mm नीडल के साथ मैं बॉर्डर बनाऊंगी। लेगिंग चूंकि ऊपर से बनना शुरू हो रहा है तो बॉर्डर बनाऊंगी इसके साथ, व्हाइट कलर का बॉर्डर बनाऊंगी 3 mm नीडल पे फंदे डाल के। तो बाकी का जो लेगिंग है वो हम 4 mm नीडल पे बनाएंगे, जैसे मैंने पूरा सेट जो है वो 4 mm नीडल पे बनाया है। तो सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करके बनाते हैं, व्हाइट कलर से मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 45 फंदे नीडल पर कास्ट ऑन किए और 13 रोज बनाई एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर व्हाइट कलर के थ्रेड का काम जो है वो खत्म हो गया है, तो मैं यहां से इसको ऐसे कट कर दूंगी। और यहां पर अब हम ब्लू कलर का बॉर्डर अटैच कर लेंगे। तो अब साथ ही साथ हम नीडल का साइज भी चेंज कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर 4 mm नीडल से अब काम करूंगी। ब्लू कलर का थ्रेड है, 4 mm नीडल है, नीडल भी हमने यहाँ पर चेंज कर ली है। पूरी रॉ को सीधा बुन लेंगे, 45 स्टिचेस हैं, बॉर्डर बना लिया है हमने। तो जब बच्चे का लेगिंग इस तरह से बनाएं तो ऊपर बॉर्डर बना लीजिए एक सीधा एक उल्टा का, ताकि उसमें जो है इलास्टिसिटी होती है, ये देखिए काफी स्ट्रेच होता है, तो बहुत सही रहता है ये किसी भी ट्राउजर के लिए या लेगिंग के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, एक रॉ मैंने ब्लू कलर के थ्रेड के साथ जो है वो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड की रॉ है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रॉ को सीधा बुन लेंगे।
देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसी तरह से बनाते हुए तकरीबन जो है 10 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, अगर हम बॉर्डर को यहाँ पर नापें तो हमारा बॉर्डर जो है वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है, और मैं 10 सेंटीमीटर और बनाऊंगी ब्लू कलर से। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ब्लू कलर की वूल से इसको 10 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया है, और अगर हम रिजेस को काउंट करें, यानी ये जो उल्टी सी लाइन है इनको अगर काउंट करें, तो हमारे पास ये 20 बनकर कंप्लीट हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, तो तकरीबन 40 सिलाइयाँ बनी हैं ये, क्योंकि एक रिज जो है ये दो सिलाइयों से मिलकर बनती है। अब देखिए व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पर सेपरेट करना है दोनों टांगों को। ये बैक साइड बन रही है हमारी, पीछे वाली। हमने दोनों टांगों को अब सेपरेट करना है और दरमियान में क्रॉच के फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो मैं 21 फंदे बुन लूंगी सीधे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो देखिए मैंने 21 फंदे यहाँ पर सीधे बुन लिए हैं। आप देखिए 21 फंदे जो मैंने यहाँ पर सीधे बुने हैं, इनको मैं अलग से किसी नीडल पर या स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी। तो मैं इनको ऐसे इस नीडल पर शिफ्ट कर रही हूँ। आप देखिए 3 फंदे मैंने यहाँ पर बाइंड ऑफ करने हैं क्रॉच के लिए। तो सिंपल जिस तरह से बाइंड ऑफ करते हैं, 2 फंदों को बुन लेंगे और 1 फंदे को इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे। 1 फंदा बाइंड ऑफ हो गया, 2 और 3। अब देखिए पीछे हमारे पास 20 फंदे रह गए हैं, 1 फंदा ये है, तो इस साइड पे भी हमारे पास 21 फंदे हैं। तो मैं ये भी सीधे बुन लूंगी। तो ये देखिए हमारी दोनों लेग्स जो हैं वो सेपरेट हो गई हैं, दरमियान में ये 3 फंदे क्रॉच के बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड से एक रो मैं सीधी बना लूंगी, यानी ये जो 21 फंदे हैं इनको सीधा बुन लूंगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और बाकी के फंदे इनको सीधा बुन लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो सीधी बना ली है। अब देखिए यहाँ पर हमने फंदों को डिक्रीज करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे और लास्ट तक तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे, बाकी के तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। तो हमने इस साइड से ही फंदों को, क्रॉच वाली साइड से ही फंदों को डिक्रीज करना है। अब देखिए रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और यहां हमने फिर से एक फंदा डिक्रीज करना है।
तो एक एक करके मैं यहाँ पर 5 बार डिक्रीज करूँगी। एक बार अभी मैंने कर लिया है, 4 बार और करूँगी। तो एक बार मैं आपको और करके दिखाती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का 1 बनाएंगे और बाकी के तमाम फंदे इनको सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बुन देंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैं डिक्रीज करती जाऊंगी यहां तक कि यहां पर मेरे पास 16 स्टिचेस यानी 16 फंदे रह जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 5 फंदे डिक्रीज कर लिए हैं, 2 आपके साथ किए थे, 3 ऑफ कैमरा किए हैं और 21 फंदे थे। 5 फंदे डिक्रीज होने के बाद अब 16 स्टिचेस हैं नीडल पर। अब देखिए, हमने इसकी तकरीबन 15 रिजेस और बनानी है, यानी अगर हम यहाँ पर मार्कर लगा दें तो 15 रिजेस और बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर मार्कर लगा लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर मार्कर लगा लेती हूँ इस रिज के ऊपर और इसके बाद मुझे 15 रिजेस और बनानी है, यानी 30 सिलाइयाँ और बनानी है। तो सीधा सीधा बुनते हुए मैं 30 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, यानी राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से। अब हमारी डिक्रीजिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और 30 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर हम 2 वाला पार्ट बनाना शुरू करेंगे, उसका जुराब वाला पार्ट। रॉन्ग साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो इसे देखिए व्यूअर्स, हमारी एक रिज यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं 15 रिजेस बनाऊंगी, 1 बन गई है, 14 और बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी लंबाई यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। तो जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया था, जहाँ पे डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हुई थी और मैंने मार्कर लगाया था उस रिज पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 15 रिजेस बनाई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो एक रिज जो है ये 2 सिलाइयों से मिलकर बनती है, 2 सीधी सिलाइयों से। अब देखिए तो व्यूअर्स, अब हमने हील का पार्ट बनाना है, तो दोनों साइड से हमने फंदों को डिक्रीज करना है। तो देखिए किस तरह से डिक्रीज करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का 1 बना देंगे। यहाँ पर 1 फंदा डिक्रीज हो गया। अब लास्ट 3 स्टिचेस तक तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे रह गए हैं और मैंने तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। 2 फंदों का 1 बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा इसको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो पूरी सीधी बना लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की रॉ है, फिर से पहला फंदा स्लिप करेंगे और दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। तो मैं लास्ट 3 स्टिचेस तक तमाम फंदे सीधे बुन लूंगी। अब देखिए 2 फंदों का 1 बनाएंगे और 1 फंदा सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड की रो पूरी सीधी बना देंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। अब फिर से हमारी राइट साइड की रो है और ये हमारी 3री डिक्रीजिंग है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का 1 बनाएंगे और फिर 3 फंदे लास्ट 3 स्टिचेस तक मैं जो है सारे फंदों को सीधा बुन लूंगी। 2 फंदों का 1 बनाएंगे लास्ट में और 1 फंदा सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए हमारी डिक्रीजिंग होती जा रही है और ये थोड़ा सा शेप आपको दिखाई देना शुरू हो गया। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है,
पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। फिर से राइट साइड है हमारी और फोर्थ डिक्रीजिंग है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, लास्ट थ्री स्टिचेस तक तमाम फंदे सीधे बुन देंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड की रो, पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। फिर से राइट साइड की रो है और ये हमारी फिफ्थ डिक्रीजिंग है और लास्ट डिक्रीजिंग है हमारी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, लास्ट थ्री स्टिचेस तक मैंने फंदों को सीधा बुन लिया है, दो फंदे ही थे दरमियान में, और दो फंदों का एक बनाएंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पर नीडल पर छह फंदे रह गए हैं, दो चार छह। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, इस पूरी रो को सीधा बुन देंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये हील वाला पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसका जो नीचे वाला तलवे वाली साइड है वो बनाऊंगी और इस रो में हमारे पास फंदे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो तलवे वाली साइड है वो मैं वाइट कलर से बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे वाइट थ्रेड अटैच कर लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, अभी तक तो हम ये वाला पहला फंदा जो है वो उसको स्लिप करते हुए आए हैं, लेकिन जब कलर चेंज करते हैं तो पहले फंदे को भी बुनते ही हैं। तो पहला फंदा सीधा बुन लेंगे और अब हमने एक फंदा इंक्रीज करना है। तो पहले इसको फ्रंट लूप में से बुनेंगे और फिर बैक लूप में से बुनेंगे, तो एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब दो फंदे हैं दरमियान में, इनको सीधा बुन लेंगे और सेकंड लास्ट स्टिच को भी उसी तरह से बनाएंगे, निट फ्रंट एंड बैक करते हुए एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। लास्ट वाला स्टिच है इसको सीधा बुन लेंगे। की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदे सीधे बुन देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैं चार बार और इंक्रीज करूंगी और एक बार मैंने कर लिया है, एक बार मैं आपको और करके दिखाती हूँ। अब की बार हम पहला फंदा जो है वो बुनेंगे नहीं बल्कि स्लिप करेंगे और अगले फंदे को के हमने दो फंदे बनाने हैं फ्रंट और बैक लूप में से बुनते हुए। इसको आगे से भी और पीछे से बुनकर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब लास्ट टू स्टिचेस तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूंगी और ये जो सेकंड लास्ट स्टिच है इसके भी हम एक फंदे के दो फंदे बना लेंगे। इसको फ्रंट लूप और बैक लूप में से बुनते हुए एक फंदे के दो फंदे बना लिए। यहाँ पे भी एक फंदा इंक्रीज हो गया, लास्ट वाला स्टिच सीधा बुन। रॉन्ग साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो हमारे फंदे दो बार इंक्रीज हो गए हैं। अब तीसरी इंक्रीज है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए अगले फंदे को एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। सॉरी, अब लास्ट टू स्टिचेस तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूंगी। और सेकेंड लास्ट फंदे में इस तरह से नीडल डाल के निट फ्रंट एंड बैक करते हुए एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। तो ये हमारी थर्ड इंक्रीज रॉ थी। पहला फंदा स्लिप करेंगे रॉन्ग साइड से और पूरी रॉ को सीधा बुन देंगे।
फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है और ये हमारी फोर्थ इंक्रीज रॉ है और पहला फंदा स्लिप करेंगे अगले फंदे में निट फ्रंट एंड बैक करते हुए एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे और लास्ट टू स्टिचेस तक तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। सेकेंड लास्ट फंदे में एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। राइट साइड की रॉ है और ये हमारी लास्ट इंक्रीज है, फिफ्थ इंक्रीज है, लास्ट इंक्रीज है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे निट फ्रंट एंड बैक करते हुए लास्ट टू स्टिचेस तक तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। और अब यहां पर दो फंदों का एक फंदे के दो फंदे बनाएंगे निट फ्रंट एंड बैक करते हुए और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। तो इस रॉ के एंड पे हमारे पास 16 स्टिचेस हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो हमारे अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है और पूरी रॉ को मैं सीधा बुन लूंगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारी इंक्रीज कंप्लीट हो गई है और 16 स्टिचेस हो गए हैं, 16 स्टिचेस हो गए हैं। यहाँ मैं एक मार्कर लगा लूंगी और इस मार्कर के बाद अब मैं 12 सिलाइयां और बनाऊंगी सीधा सीधा बुनते हुए। तो देखिए व्यूअर्स मैंने 12 सिलाइयां बना ली हैं और जिससे 6 रिजेस बनकर तैयार हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और नीडल के साथ ये 6। अब देखिए हमने फंदों को फिर से डिक्रीज करना है ताकि उसके टो की जो है वो शेप बने। पहला फंदा जो है वो इसको स्लिप करेंगे और दो फंदों का एक बनाएंगे, लास्ट 3 स्टिचेस तक तमाम फंदे बुन लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ से फंदों को डिक्रीज किया था उसी तरह से हम डिक्रीज करेंगे। तो मैं इस बार आपको एक ही डिक्रीजिंग दिखाऊंगी। ये देखिए लास्ट 3 स्टिचेस तक मैंने तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। अब दो फंदों का एक बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा इसको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो पूरी सीधी बना लेंगे और मैं इसी तरह से डिक्रीज करूंगी। एक बार मैंने कर लिया है, 4 बार और करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स मैंने 5 बार यहाँ पर फंदों को डिक्रीज कर लिया है और नीडल पर फिर से हमारे पास 6 स्टिचेस रह गए हैं और यहाँ से अब हमने फंदों को फिर से दोबारा इंक्रीज करना शुरू करना है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमारा ये जो नीचे तलवे वाला पार्ट है ये बनकर कंप्लीट हो गया है, जो इसका सोल वाला पार्ट है वो बनकर कम्प्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर वापस ब्लू कलर का थ्रेड अटैच कर दूंगी और व्हाइट कलर की वूल का काम यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगी। आप देखिए फिर से हमने फंदों को इंक्रीज करना है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर फंदे इंक्रीज किए थे उसी तरह से इंक्रीज करेंगे। तो पहला फंदा अगरचे हम स्लिप करते हैं लेकिन जब कलर चेंज करते हैं तो फिर पहला फंदा बुन लेते हैं। अब जो दूसरा फंदा है इस फंदे को हम फ्रंट एंड बैक दोनों तरह दोनों साइड से इसको निट करेंगे और एक फंदे के दो फंदे बना लेंगे, दो फंदे दरमियान में सीधे बुन लेंगे। और अब सेकंड लास्ट फंदे के दो फंदे एक फंदे के दो फंदे बना लेंगे, यानी इसको फ्रंट और बैक दोनों साइड से बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा जो है इसको सीधा बना लेंगे। तो इस रो के एंड पर हमारे पास वापस एक एक फंदा इंक्रीज हो गया, तो टोटल 8 स्टिचेस हैं नीडल पर। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रॉ को सीधा बुन लेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैं फंदे इंक्रीज करती जाऊंगी यहां तक के जब हमारे पास वापस 16 स्टिचेस हो जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैं फंदे इंक्रीज करती गई हूँ, 5 फंदे मैंने दोनों साइड पे इंक्रीज किए हैं और हमारे पास यहाँ पर 16 स्टिचेस दोबारा हो गए हैं नीडल पर। और अब यहाँ पर हमने हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा जो टो और हील वाला पार्ट है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। तो मैं स्टिच पे इस तरह से एक स्टिच मार्कर लगा लूंगी और अब हमने 42 रोज बनानी है सीधा सीधा बुनते हुए ब्लू कलर से। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा लेगिंग का बैक और उसका टो वाला पार्ट बन गया है। अब ये फ्रंट पार्ट बन रहा है लेगिंग का। और रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा ही बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो इस तरह बुनते हुए मैं 42 रोज बनाऊंगी। दो सिलाइयां मैंने बना लिया आपके साथ और 40 और बनाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 42 रोज बनकर कंप्लीट हो गई हैं। तो जहां पे मैंने मार्कर लगाया था वहां से अगर हम रिजेस को काउंट करें तो देखिए 21 रिजेस जो हैं उल्टी उल्टी लाइंस बनकर तैयार हुई हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर, देखिए ये हमारी लंबाई थी, ये हील वाला पार्ट था हमारा और यहाँ से हमने फंदे डिक्रीज किए थे जब हमने ये क्रॉच के फंदे बाइंड ऑफ किए थे और यहाँ पे फंदे डिक्रीज किए थे। अब हमने यहाँ पे फंदे इंक्रीज करने हैं। तो देखिए व्यूअर्स, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और एक फंदे को फ्रंट और बैक लूप में से बुन लेंगे। जो सेकंड फंदा है उसको हमने फ्रंट और बैक लूप में से बुन लिया। आप देखिए तमाम फंदों को जो है वो सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, पूरी रो पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने यहां पर 5 फंदे डिक्रीज किए थे इसी तरह हमने यहां पर 5 फंदे इंक्रीज करने हैं। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक बार और देख लीजिए, सेकंड वाले फंदे को फ्रंट और बैक दोनों लूप में से बनाएंगे, पूरी रो को सीधा बना देंगे। रॉन्ग साइड की रो को पूरा सीधा बना लेंगे और इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये दो फंदे इंक्रीज किए हैं इसी तरह से मैं 3 बार और इंक्रीज करूंगी और उसके बाद आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको 3 बार और इंक्रीज कर लिया है और यहाँ पर हमारे 5 फंदे इंक्रीज हुए हैं। 16 फंदे थे पहले नीडल पर और अब 21 स्टिचेस हैं नीडल के ऊपर। अब देखिए हमारा यहाँ पर ये क्रॉच तक बनकर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बनेगा और ये जब सिलेगा तो ये इस तरह से आएगा, ये देखें। तो यहां पर मैं अब इस थ्रेड को यहां पे डिस्कनेक्ट कर दूंगी, यहां से इसको काट दूंगी और उसके बाद जो है इस साइड की लेग भी जो है वो हम इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि पहले इंक्रीजिंग जो थी वो बिगनिंग में हो रही थी, अब इंक्रीजिंग जो है वो लास्ट में होगी। तो देखिए इसको किस तरह से शुरू करना है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इन फंदों को जो है एक और सिलाई के ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। और अब ये वाले फंदे जो हैं इनको लेके निट करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो जब मैंने ये क्रोच के फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ किए थे तो यहां से ये 21 स्टिचेस यहां से मैंने यहां तक बुन लिए थे सीधे। अब हमने जो धागा कनेक्ट करना है वो हमने
इस साइड से कनेक्ट करना है यहां से। यहां पर मैं ऐसे इसको निकाल के यहां पर एक नॉट दे दूंगी। और अब देखिए ये सिलाई हमने सीधी बनानी है, तो रॉन्ग साइड से मैं एक सिलाई सीधी बुन लूंगी, एक रो सीधी बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है और यहाँ पर जब हमने यहाँ पे फंदे डिक्रीज किए थे इस साइड पे, तो रॉ की बिगनिंग में डिक्रीज किए थे, लेकिन यहाँ पर हम पूरी रॉ को सीधा बुन लेंगे लास्ट 3 स्टिचेस तक और फिर यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और लास्ट 3 स्टिचेस तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, लास्ट 3 स्टिचेस रह गए हैं। अब यहां पर 2 फंदों का एक बना लेंगे और लास्ट वाला फंदा इसको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रॉ से पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रॉ को सीधा बुन देंगे। फिर से एक बार देखिए, लास्ट 3 स्टिचेस तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूंगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट 3 स्टिचेस तक तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए इन 2 फंदों का एक बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से मैं एक रो सीधी बनाऊंगी और उसके बाद मैं जिस तरह से मैंने यहां पर फंदे डिक्रीज किए हैं बिल्कुल उसी तरह 3 बार और डिक्रीज करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 बार और डिक्रीज किया है दूसरी लेग में भी और अब हमने सेम प्रोसीजर करना है जो हमने यहां इस मार्कर से लेके इस मार्कर तक, बल्कि यहां तक किया था दूसरी लेग, पहली लेग में जो हमने प्रोसीजर इंक्रीज करने तक किया था वही सेम प्रोसीजर जो है हमने यहाँ पर रिपीट करना है। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड पे भी यानी दूसरी लेग को भी यहाँ से लेके यहाँ तक उसी तरह से बना लिया है जिस तरह से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बनाया था, यानी राइट और लेफ्ट में बनाने का कोई भी डिफरेंस नहीं है जब हम ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हैं। तो मैंने उसी तरह से इसको बना लिया है सेम प्रोसीजर से। और अब हमने देखिए इस तरह से ये जो फंदे इंक्रीज किए थे हमने, वो हमने इस साइड पर इंक्रीज करने हैं, इस साइड पर इंक्रीज नहीं करने, अब हमने इस साइड पर इंक्रीज करने हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और लास्ट 2 स्टिचेस तक पूरी रो को सीधा बना लेंगे, तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे लास्ट 2 स्टिचेस तक। अब देखिए हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं, तो मैं इस सेकंड लास्ट स्टिच को आगे और पीछे दोनों साइड से बुनूंगी, यानी नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए एक फंदा इंक्रीज कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारे फंदे इंक्रीज होने हैं, ये देखिए एक फंदे के 2 फंदे बन गए। लास्ट वाला फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रॉ है, पूरी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रॉ को सीधा बना लेंगे। अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है और यहाँ पर हमने फंदा इंक्रीज करना है, इस साइड पे इंक्रीज नहीं करना, हमने इस साइड पे इंक्रीज करना है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे लास्ट 2 स्टिचेस तक। आखिरी 2 फंदों तक मैं तमाम फंदों को सीधा बुन लूंगी।
अब इस सेकेंड लास्ट स्टिच को जो है फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बुनेंगे, यानी इसको पहले अगली साइड से बुनेंगे और फिर इसको पिछली साइड से बुनेंगे। लास्ट वाला स्टिच है इसको सीधा बुन लेंगे। यहां पर भी हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। अब इसी तरह से मैं रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बुनूंगी और राइट साइड से मैं एक फंदा इंक्रीज करूंगी। तो इसी तरह से मैं तीन बार और इंक्रीज करूंगी। तो मैं ये करती हूं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड से भी तीन बार और इंक्रीज कर लिया, यानी टोटल यहां पर फाइव स्टिचेस जो हैं इंक्रीज हुए हैं। दो आपके साथ किए थे मैंने और तीन ऑफ कैमरा किए हैं। अब देखिए हमने इन दोनों को इस मिला लेना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहां पर ये मिले हुए हैं। तो यहां पर मैंने तीन फंदे बाइंड ऑफ किए थे और यहां तीन फंदे मैं दोनों लेग्स के दरमियान में जो है इंक्रीज करूंगी। तो हमारा थ्रेड इस तरफ है, इस साइड पे है और मैं इन तमाम फंदों को सीधा बुन लूंगी। पहला फंदा स्लिप करके तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो 21 स्टिचेस हैं ये, 21 फंदे हैं, 16 फंदे थे, 5 फंदे इंक्रीज हुए और 21 फंदे अब हमारे पास हो गए हैं। तो मैंने इन तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करने से पहले मैं तीन फंदे यहां पे इंक्रीज करूंगी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैंने यहां पर तीन फंदे बाइंड ऑफ किए थे। तो एक, दो और तीन, तीन फंदे हमारे इंक्रीज हो गए। अब इस साइड के जो फंदे हैं, दूसरी लेग के फंदे हैं, इनको इसके साथ मैं ज्वाइन कर दूंगी। इस थ्रेड को मैं यहां पर नॉट दे दूंगी ऐसे। और अब इस साइड के भी मैं फंदे सीधे बुन लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी इस साइड की लेग भी जो है वो ज्वाइन हो चुकी है इस तरह से। अब देखिए जितना लंबा हमने ये वाली साइड बनाई थी ब्लू कलर की वूल से, यानी 10 सेंटीमीटर, तो मैं ये 10 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट कर लूंगी सीधा सीधा बुनते हुए। देखिए रॉन्ग साइड से भी हमने इसको सीधा ही बनाना है। अब वापस हमारे पास यहां पर 45 स्टिचेस हो गए हैं नीडल पे, तो रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बना लेंगे। तो अब मैं इसको 10 सेंटीमीटर क्रॉच से लेके यहां तक बनाती हूं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने यहां पे बनाया था। यहां पर भी मैं 10 सेंटीमीटर बना लूंगी। तो मैं ये बनाती हूं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने सीधा सीधा बुनते हुए 40 सिलाइयां बनाई जिनसे 20 रिजेस बनी, यानी ये उल्टी उल्टी लाइन्स जो होती हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इस साइड पे 20 उल्टी लाइन्स बनाई थी, यानी रिजेस बनाई थी, 40 सिलाइयां बनाई थी। और ये जब हम मैंने इस तरह से बनाया तो ये 10 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ। ये देखिए, यानी क्रॉच तक ये 10 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ। अब देखिए यहां पर हमने बॉर्डर बनाना शुरू करना है व्हाइट कलर की वूल से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इस साइड पे बनाया था। तो इसको बनाने के लिए पहली चीज तो ये कि मैं यहां पर व्हाइट कलर का थ्रेड अटैच कर लूंगी। मैंने ब्लू कलर का थ्रेड ऑलरेडी यहां पर डिस्कनेक्ट कर दिया है, यहां पर मैं व्हाइट कलर का थ्रेड अटैच कर लूंगी। और ये देखिए, ये हमारी राइट साइड की रॉ है। तो अब हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे, लेकिन एक नंबर छोटी सिलाई हम लेंगे। जैसे इस तरफ भी जब हमने बॉर्डर बनाया था तो इसको 3 mm नीडल पे बनाया था, तो अब भी इस तरफ जब बॉर्डर बनाएंगे तो उसको भी 3 mm नीडल के साथ बनाएंगे। तो 3 mm नीडल मैं ले लूंगी और इससे हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। और अब एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते हुए
हम बॉर्डर बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है राइट साइड से। अब मैं एक सिलाई मैंने बना ली है, मुझे 13 रोज बनानी है। एक रो मैंने बना ली है और 12 रोज मैं और बनाऊंगी इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। मैंने बॉर्डर भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो मैंने 13 सिलाइयां बनाई हैं, तो ये मेरी रॉन्ग साइड की रो है, ये हमारी रॉन्ग साइड है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं रॉन्ग साइड से फंदों को बाइंड ऑफ करूंगी। और किस तरह से फंदों को बाइंड ऑफ करना है, देखिए जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनना है और उसको नॉर्मल तरीके से बाइंड ऑफ कर देना है, यानी पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप करना है। तो पहला फंदा हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, उसको उल्टा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, जब हम ऐसे फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं तो एक ऐसा किनारा बनता है जो दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे फंदे यहीं से कास्ट ऑन किए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ये देखें। तो मैं इसी तरह से बुनते हुए तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूंगी। तो मैं ऐसे ही बाइंड ऑफ करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है और हमारा लेगिंग बनकर तैयार हो गया। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक साइड की लेग जो है वो छोटी है और एक साइड की लेग जो है ये लंबी है। तो जो छोटी साइड की लेग है वो बैक साइड है और जो लंबी साइड की लेग है वो राइट साइड है, यानी फ्रंट साइड है। अब हमने इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम हील स्टिच करेंगे। तो जो छोटी साइड है यानी बैक साइड है, वहां से हम इस तरह से इसको ऐसे पकड़ लेंगे यूं। उससे पहले हम यहां पर इस थ्रेड को जो है टक कर लेंगे, पहले नीचे की तरफ अंदर की तरफ, और इसको बड़ी ही आसानी से हम राइट साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी एक ब्लू कलर की रिज है हमें दिखाई दे रही, इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और अब दूसरी साइड की वाइट कलर की रिज में नीडल डाल के ऐसे दोनों में से वूल को जो पास कर लेंगे। अब फिर से इस रिज में ये जो गिरासी हमें दिखाई दे रही है इसमें नीडल डालेंगे और ऐसे कर लेंगे, और अब वाइट कलर की इस गिरा में नीडल डालेंगे और इसको सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं इस सारे को सिलाई कर लूंगी। और जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने इसको इकट्ठा ही बनाया है। तो देखिए चूंकि यहाँ पे हमने 5 फंदे डिक्रीज किए थे और 5 ही इंक्रीज किए थे, तो हमारी यहाँ पे 5 रिजेस जब हो जाएंगी, यानी 1 2 3 4 5, और इस साइड से भी ब्लू कलर की 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे पक्का कर देंगे और इसको इसके अंदर टक कर देंगे। और इसके अंदर ही इसको ऐसे तो देखिए मैं यहां से इस धागे को काट लूंगी।
तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा हमारी हील वाली साइड जो है ये यहाँ पे सिल गई है। अब मुझे टो वाली साइड सिलाई करनी है, तो मैं इस साइड से लूंगी इसको। ये देखिए पहले हमने यहाँ से लिया है, अब मैं इस साइड से इसको लूंगी और इसके अंदर उसी तरह से धागे को टक कर लूंगी पहले। आप देखिए हमने इस तरह से इसको रखना है, सॉरी, इस तरह से इसको पकड़ेंगे और सबसे पहले ये जो फंदे हमने डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज किए हुए हैं इनको पहले हम सिलाई करेंगे। तो एक गिरा इधर से लेंगे, एक नॉट इधर से लेंगे, एक नॉट इधर से लेंगे, इसी तरह से हमारा ये सिलाई हो जाएगा। अब इस नॉट में ऐसे डालेंगे नीडल इसमें, तो देखिए व्यूअर्स ये हमारी टो वाली साइड सिल गई, ये हमारी हील वाली साइड सिल गई। अब मैं इसको इसी तरह से रख के ऐसे ही सिलाई कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से पकड़ के, तो देखिए व्यूअर्स यहाँ तक हमारा ब्लू कलर के थ्रेड से ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमने आगे से ये बॉर्डर को, वाइट कलर के बॉर्डर को स्टिच करना है, तो वो हम वाइट थ्रेड से ही स्टिच करेंगे। इसको इस तरह से अंदर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे इस थ्रेड को अच्छे से पक्का कर लेंगे और इसको फिर इसमें से धागे को, नीडल को गुजारते हुए धागे को टक इन कर देंगे। और इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। अब देखिए हमने ये वाइट कलर का बॉर्डर जो है उसको सिलाई करना है, तो मैं वाइट कलर के थ्रेड से ही इसको सिलाई करूंगी और इसको भी हम सीधी साइड से ही सिलाई कर रहे हैं। देखिए पहले दोनों साइड के किनारों को हम ऐसे सिलाई कर लेंगे, एक दो टांके लगा के इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे और उसके बाद ये जो दो रोज़ के दरमियान में बार है इसको उठाएंगे इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, तो ये बहुत अच्छे से सिलाई हो जाता है। फिर से अगली बार को उठाएंगे, दूसरी साइड से भी उठाएंगे, तो इस तरह से करेंगे स्टिच तो सीमलेस सा नज़र आता है और सिलाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं इस पूरे को इसी तरह से स्टिच करती जाऊंगी। और इसको हम इससे अंदर ले जाएंगे और यहां पे इसको पक्का करेंगे ऐसे और इसको फिर टक कर देंगे यहां पर। तो देखिए व्यूअर्स हमारा इस साइड से ये सिलकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस साइड से ये सिल गया है और इस तरह से ये बनेगा।
और अब मैं दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से सिलाई कर लूंगी। पहले मैं हील को ऐसे सिलाई करूंगी और फिर मैं टो से सिलते हुए इसको ऊपर तक सिलाई कर दूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों साइड से इसको सिलाई कर लिया है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा टो वाला पार्ट है, यानी जहाँ पे बच्चे का पंजा आएगा, और ये हील वाला पार्ट है जहाँ पे उसकी एड़ी आएगी। तो अब दूसरी साइड से भी मैं हील को इसी तरह से सिलाई करूंगी। पहले हील सिलाई करूंगी और फिर टो वाला पार्ट सिलाई करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा न्यू बॉर्न बेबी का ये लेगिंग बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप जरूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।